नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सिलीगुड़ी का जो कट ऑफ, हालांकि कट ऑफ तो नहीं आया है लेवल थ्री का, लेकिन रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। एक्चुअली जो लेवल थ्री नॉन टाइपिंग पोस्ट था और इस पे जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि कट ऑफ मैं बार बार कह रहा हूँ कि कट ऑफ नहीं निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसी के जो बच्चे पास आउट हुए हैं वो जो कमेंट किए हैं उसके आधार पे हम कट ऑफ अदर जोन का एक के अप्रोक्स निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा सिलीगुड़ी में ऐसा देखा गया है कि मिनिमम 85.667 में जो लेवल थ्री है वो क्लियर है यूआर का। ओबीसी का 82 में क्लियर है, 82.67, और एससी का 78, और ईडब्ल्यूएस का 80.33। एसटी का डेटा मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। अगर आपके पास डेटा है कि किसी का किसी नंबर पे सिलेक्शन हुआ है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिलीगुड़ी के जो कैंडिडेट हैं लेवल थ्री में उनका क्या नंबर रहा है। तो इसी के बिहाफ पे, मतलब कि इसी के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि जो कट ऑफ है वो अदर जोन का क्या रहेगा। देखिए, थोड़ा कलकत्ता का 20 हो सकता है, लेकिन मुंबई का नीचे हो सकता है, जो आपका चेन्नई है उसका एक आध नंबर नीचे हो सकता है या बराबर हो सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जितने भी एनटीपीसी में कट ऑफ गए वो लगभग बराबर ही गए हैं या कुछ एक दो नंबर ऊपर नीचे गए हैं, ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट पटना रांची वगैरह को हम छोड़ दे तो बाकी सब जगह लगभग ठीक ठाक ही गए हैं। मतलब इक्वल के अकॉर्डिंग, इक्वल लेवल पर गए हैं। तो उसी तरीके से अगर लेवल थ्री का, अगर आप मुंबई जोन से बिलोंग करते हैं या कलकत्ता से या और भी जो जोन से बिलोंग करते हैं, अगर यूआर में अगर 86 से एबव आप लेवल थ्री में लाए हैं तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए लेवल थ्री में। ओबीसी की हम बात करें तो 83 से एबव अगर लाते हैं तो, एससी की बात करें तो 79 से, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81 से एबव लाते हैं तो, और अगर एसटी की बात करें तो 74 से एबव लाते हैं तो आपका लेवल थ्री में होने की उम्मीद लगभग 100% है, क्योंकि इसी तरह के आपके कट ऑफ गए हैं। और भी जो लेवल है, लेवल टू के जो कट ऑफ है वो कितने जा सकते हैं, तमाम जो ये लेवल फाइव के जो नॉन टाइपिंग पर के पोस्ट हैं उसके कट ऑफ क्या जा सकते हैं, तमाम जो एनालिसिस है वो धीरे धीरे मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आपको जो भी चीज़ें ज़रूरत है, जिस भी लेवल का आपको लगता है कि इस लेवल का बता देनी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।